भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। ये तस्वीरें हैं 44 साल पहले देश में लगाई गई इमरजेंसी के उस दौर की, जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को हिलाकर रख दिया था। नई पीढ़ी भले ही आपातकाल के उस दौर से परिचित ना हो, लेकिन इसके बारे में सुना और पढ़ा जरूर होगा। आपातकाल के पीछे की सबसे अहम वजह 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से इंदिरा गांधी के खिलाफ दिया गया फैसला बताया जाता है। ये फैसला 12 जून 1975 को दिया गया था, जिसमें रायबरेली के चुनाव अभियान में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का दोषी पाया था, साथ ही उनके चुनाव को खारिज कर दिया था। 1975 में 25 जून की रात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। नागरिकों के सभी मूल अधिकार खत्म कर दिए गए थे, हजारों राजनेताओं को जेल में डाल दिया गया था और अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। उस वक्त पूरा देश सुलग रहा था, हर तरफ सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। सरकार की मनमानी के खिलाफ लोगों में जबरदस्त आक्रोश फैला। गुजरात में नव निर्माण आंदोलन का उदय हुआ तो जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। विरोध की लहर इस कदर तेज हो गई कि इंदिरा गांधी को चुनाव कराने की सिफारिश करनी पड़ी, लेकिन वो 19 महीने देश के लिए किसी जेल से कम नहीं थे। इमरजेंसी को आज 44 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में देश के तमाम नेता और कार्यकर्ता उस दौर को याद कर रहे हैं, जब सत्ता के लिए संविधान और लोगों के अधिकारों की हत्या कर दी गई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि 25 जून 1975 की रात राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोकतंत्र की हत्या की गई थी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इमरजेंसी को हिंदुस्तान का दानवी काल बताया है। लाखों लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे, देश को जेल बना दिया गया था। इमरजेंसी हिंदुस्तान के लिए एक प्रकार से दानवी काल था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार किया गया, उनकी किडनी खराब हुई थी, उनको जसलोक अस्पताल में धूप भी नहीं देखने दिया गया। सारे नेता बंद थे, संपादक जो बहादुर थे वो भी बंद थे, जजेस को सुपरसीड किया गया और लाखों की संख्या में लोग गिरफ्तार हुए थे, संघ के स्वयंसेवक गिरफ्तार हुए थे। बीजेपी ने इमरजेंसी पर लिखी अटल जी की एक कविता ट्विटर पर शेयर की है। देश के नेता इमरजेंसी के दौर को याद कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के ट्वीट से सियासी घमासान शुरू हो गया। उन्होंने लिखा है कि पिछले 5 साल में भारत में सुपर इमरजेंसी के हालात हैं। हमें इतिहास से काफी कुछ सीखना चाहिए और लोकतंत्र संस्थानों की रक्षा करने के लिए लड़ते रहना चाहिए। जाहिर है इमरजेंसी के बहाने ममता ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है, लिहाजा आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने पलटवार किया और कहा कि बंगाल में आज इमरजेंसी लागू है। देखिए, इमरजेंसी क्या होता है आज देश के लोगों को मालूम नहीं है। कभी 30 साल पहले हुआ था, 35 साल पहले हुआ था, वो तो समय बीत गया, लेकिन कोई पूछे तो इमरजेंसी क्या है सारा देश के लोगों को मालूम नहीं, जानते भी नहीं। लेकिन इमरजेंसी अगर देखना है तो कोई बंगाल में आ जाए जहाँ इमरजेंसी है, जो खुद इमरजेंसी चालू करके रखा है वो दूसरे को दोषारोपण करते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का भी कहना है कि जिस तरह ममता बंगाल में सरकार चला रही है वो इमरजेंसी जैसा ही है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता राज्य कर रही है वो इमरजेंसी से कोई कम नहीं और बहुत ही खराब राज्य चला रही है। जिस तरह से हिंसा को वहां चलाया जा रहा है वो बहुत लोकतंत्र के विरोध में है। दरअसल पिछले 5 साल से पीएम मोदी और ममता बनर्जी के बीच तलवारें खींची हुई हैं। मामला चाहे सीबीआई जांच को लेकर हो या फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बढ़ते जनाधार का रहा हो, दोनों के बीच तल्खी बहुत बढ़ चुकी है। चुनाव से लेकर अब तक पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा को लेकर दोनों पार्टियों के नेता आमने सामने हैं। यही वजह है कि इमरजेंसी को लेकर एक बार फिर तकरार बढ़ चुकी है, जिसकी आंच 2021 में होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।